हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। इस वीडियो में बात करूंगा अडानी ग्रुप के स्टॉक यानी कि अडानी विलमार की, और जिस स्टॉक को लेकर मैं ऑलरेडी पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये स्टॉक जो है 500 रुपए की रेंज में आप लोगों को दोबारा से आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपए से ऊपर तक चला गया था अपना बाउंड वीक हाई लगाने, और उसके बाद स्टॉक ऊपरी स्तर से 40% करेक्ट हो चुका है। आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह जो है मेन वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के शेयर्स का फॉल होना ही है, क्योंकि अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन जैसे बड़ी कंपनी जो है वो 20-20% आज के दिन में जो है गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट भी बुरी तरीके से गिर रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है अडानी विलमार के रिगार्डिंग और किस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए दोबारा से, इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अडानी विलमार 27.20 रुपये की बड़ी गिरावट, 516.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% का लोअर सर्किट है। प्रीवियस क्लोजिंग 544 रुपये पे रही थी, जो कि एक ऑलरेडी खुद में भी एक लोअर सर्किट रहा था लास्ट क्लोजिंग में भी, और आज मार्केट खुलते ही स्टॉक में एक हल्का सा प्रॉफिट जो है, बहुत सारे लोगों ने मार्केट ऑर्डर लगाए एकदम से और सेल भी हुए, वॉल्यूम ट्रेड, और उसके बाद से सेलिंग प्रेशर रहा कंटिन्यूसली जो कि अभी तक मेंटेन है। बीते 5 दिन में ये स्टॉक 7% के आसपास तक की गिरावट जो है वो दर्ज कर चुका है, और अगर एक महीने की मैं बात करूँ तो 6% के आसपास तक की गिरावट जो है अडानी विलमार में बीते एक महीने के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। ऊपरी स्तर से अगर मैं बात करूँ अडानी विलमार की, तो 36% से ऊपर की बड़ी गिरावट हो चुकी है, और ऐसे में स्टॉक जो है 6 महीने में अगर बात करूँ तो ओवरऑल जो गिरावट रही है वो 20% के आसपास तक की आप लोग देख सकते हैं। एक साल की अगर बात करूँ तो 92-93% के आसपास तक की रिटर्न्स जो है पॉजिटिव अडानी विलमार ने इन्वेस्टर्स को बना के दिए इस कंपनी के, बाकी कंपनीज के मुकाबले अगर मैं बात करूं अडानी ग्रुप की तो इसके फंडामेंटल्स थोड़े से सही ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स अच्छे होने की वजह से स्टॉक जो है अच्छे खासे रिटर्न्स जो है लास्ट ईयर में दे भी पाया था। मैक्सिमम रिटर्न्स जो है सिर्फ 35.5% के आसपास तक के दिए हैं, और अगर आज का वॉल्यूम देखें तो 7,65,259 शेयर्स का, ये इतना वॉल्यूम भी सिर्फ मार्केट ओपनिंग के टाइम ही जो है ट्रेड हो चुका था, यानी कि जो ऑलरेडी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हुए थे उसकी वजह से। उसके बाद से तो स्टॉक में 2.5 लाख शेयर्स की क्वांटिटी जो है सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा हुआ है, और फर्दर गिरावट के भी बहुत ही बड़े चांसेस हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप्स के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो एलिगेशंस कंपनी के ऊपर लगे हैं उसकी वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ में अगर मैं बात करूं अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी ग्रीन है, इन स्टॉक्स में तो आज के दिन 18-19% की बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसने जो कंपनी है, एक ये US बेस्ड फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, और इसने आरोप लगाए हैं कि अकाउंटिंग फ्रॉड का, स्टॉक मैनिपुलेशन का, एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द ऑफशोर टैक्स हेवंस बाय द ग्रुप। 3 एलिगेशंस जो है अडानी ग्रुप्स के ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से, उस रिपोर्ट की वजह से यहाँ पे स्टॉक्स में बड़ी क्रैश आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स जो हैं बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि जो नेटवर्थ है उसमें से $100 बिलियन की जो नेटवर्थ है वो लास्ट के 3 ईयर्स में इन 3 आरोपों की वजह से, जो आरोप लगे हैं इनके जरिए जो है ये सारा का सारा नेटवर्थ जो है वो जुटाया गया है। ऐसे में $7 बिलियन जो है एक दिन के अंदर अडानी ग्रुप के खत्म हो चुके हैं। तो बड़ी गिरावट हो सकती है स्टॉक्स में अडानी ग्रुप के, और ऐसे में निकलना भी बेहतर ऑप्शन कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का नजरिया क्या कहता है ऐसे में, कि निकलना चाहिए या फिर रोक के रखना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये तो बताया था मैंने कि 500 रुपए के आसपास स्टॉक जा सकता है, और वही चीज़ हो रही है, तो 450 तक के आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी दोबारा से लौट के आए और ऐसे में स्टॉक रिकवरी करते हुए भी नजर आ सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग से पैसे अर्न करना चाहते हैं, और तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और मेरे से अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा अभी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 480 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में फर्दर गिरावट 450 रुपये के आसपास तक की जो है स्टॉक को लेकर जा सकती है। फिनस्टार रेटिंग इस कंपनी की 4-स्टार रेटिंग है, ऑनरशिप स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है अडानी विलमार का, एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी जिसमें से इसका मार्केट कैप जो है सिर्फ 67,000 करोड़ का है, बुक वैल्यू 58 रुपये की, 2500 करोड़ के आसपास का कर्जा है, और 4,450 करोड़ के आसपास का कैश जो है कंपनी के पास अवेलेबल भी है।
ईपीएस 5.36 रुपीज का है, प्रमोटर होल्डिंग भी 88% के आसपास के देखने को मिल जाती है। पब्लिक के पास 10.5% स्टेक, एफआई के पास 1.5% और डीआई के पास 0.13% स्टेक ही अभी देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं कहीं ना कहीं अडानी विलमार के, और ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर्स की डिमांड जो है हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में ये स्टॉक जो है रिकवरी जो है वो जल्दी ही हमें दिखा सकता है। अभी एक जो फॉल चल रहा है रिपोर्ट की वजह से, उसकी वजह से स्टॉक्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।